तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यार स्टार भारत चैनल से रिलेटेड काफ़ी बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, स्टार भारत चैनल आपको जल्दी रेडीफेड इसके प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलने वाला है। तो इसी टॉपिक पर पूरी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, तो आप पूरी वीडियो में बने रहें शुरू से लेकर लास्ट तक, वरना दोस्तों आप पूरी अपडेट को नहीं जान पाएंगे। उससे पहले यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बाजू में दिख रहा होगा बेल आइकन, उसको दबा के ऑल वाले ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे जब भी हम नई कोई वीडियो को अपलोड करेंगे। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं स्टार भारत की तरफ से कौन सी बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जो स्टार भारत है दोस्तों, जो कि अभी 52 बिलियन किया गया था डिफ्रेडस के प्लेटफॉर्म पर, दोस्तों उसमें भी इस चैनल ने पार्टिसिपेट करा था। प्रसार भारती का जो चार्ज था वो थोड़ा ज़्यादा था, तो इसी कारण जो स्टार भारत चैनल है वो यहाँ पर डीडी फीडर्स के प्लेटफॉर्म पर स्लॉट को नहीं जीत पाया था, और ये जो टीवी चैनल है वो हमारे बीच ऐड नहीं किया गया था 52 बिलियन से। अब यदि हम लोग करंट की बात करते हैं तो इस चैनल की जो TRP है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो चुकी है। मैं आपको पिछले महीने की यहाँ पर TRP भी दिखा देता हूँ दोस्तों, जिससे कि आपको यकीन हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉप 10 TRP में दोस्तों इसका नाम ही नहीं है। यहाँ पे यदि आप देखेंगे ध्यान से तो ये जो टीवी चैनल है वो कहीं हमको नहीं दिखाई देता है टॉप 10 की TRP में। तो अब ये जो टीवी चैनल है वो यहाँ पर अपना एक बार TRP में नाम देखना चाहता है, जिससे कि उसको भी कुछ प्रॉफिट हो। तो इसी कारण से अब ये जो टीवी चैनल है वो आने वाले ऑक्शन में, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अब जो 53वां ऑक्शन किया जाएगा प्रसार भारती की तरफ से, तो उसमें ये जो टीवी चैनल है वो यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर पार्टिसिपेट करने वाला है। तो आने वाले 53वीं ऑक्शन में ये जो टीवी चैनल है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाला है, और आपको DDFIDS के प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हुआ दिख भी जाएगा। और बात करते हैं इस चैनल की, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अब यदि ये जो टीवी चैनल है वो यदि लॉन्च होता है DDFIDS के प्लेटफॉर्म पर, तो इसके लिए दोस्तों आसान नहीं रहने वाला है। क्योंकि यदि आप अभी देखेंगे तो DDFIDS के प्लेटफॉर्म पे भी काफ़ी अच्छे खासे चैनलों ने यहाँ पर दोस्तों पार्टिसिपेट कर लिया है 52 बिलियन में, और हमारे बीच जैसे द क्यू हो गया, या दोस्तों बात करते हैं आज़ाद TV की, तो यदि आज़ाद TV लॉन्च हो जाता है और उस पर हमको एक से एक अच्छे नए सीरियल देखने को मिलते हैं, तो ये जो TV चैनल है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकता है DDFIDS के प्लेटफॉर्म पे। तो यदि जब ये जो TV चैनल है स्टार भारत लॉन्च होता है DDFIDS के प्लेटफॉर्म पर, तो इसको दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहेगा DDFIDS के प्लेटफॉर्म पर। तो 53वीं ऑक्शन में हमको ये जो TV चैनल है वो देखने को मिलेगा DDFIDS के प्लेटफॉर्म पर पार्टिसिपेट करता होगा, और यदि ये जो TV चैनल है पार्टिसिपेट करता है तो ये स्लॉट को भी 100% बिन करेगा, क्योंकि ये जो TV चैनल है इसके पास अब DDFIDS पर लौटने के दोस्तों आसार कुछ ज़्यादा ही बन रहे हैं। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, जिससे कि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे जब भी हम कोई नई वीडियो को अपलोड करेंगे।